आप सब लोग जानते हैं कि सरुबली के ईदगाह मैदान में गणपति बैठाने के लिए जो आरएसएस संघ परिवार के लोग जो कोशिश कर रहे थे उनकी कोशिश जारी थी। शाम में मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट कंडीशनल जो है परमिशन दे चुकी है, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट कंडीशनली जो है डीसी को अधिकार दिया गया, कंडीशनली देने के लिए कहा गया है। गणेश एंड गौरी द परमिशंस विल बी अकॉर्डेड बाय द लोकल अथॉरिटीज, यू नो इट्स नॉट द गवर्नमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी टू गिव परमिशन, लोकल अथॉरिटीज यू नो बेस्ड ऑन द लोकल सिचुएशन। मालूम पड़ा है कि गवर्नमेंट से डीसी को हिदायत मिली कि 18 कंडीशन डाल के भेजा है और कंडीशन क्या है उसमें उनको 2.5 दिन बैठाने का दिया जाए। ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿದ್ವು ಅದ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ವು ಅದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಜೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಥೆ ನಾವಿಡ್ಗಿ ವೋ ಅಪಿಯರ್ ಹುವೆ ಔರ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಜೋ ಹೈ ಫಿಲ್ ವಕ್ತ मेयर वहाँ का बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है और वहाँ की काउंसिल में जो मेजॉरिटी है बीजेपी की है, उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया था कि इस जगह को 3 दिन के लिए परमिशन जो पिछले बार दिया था उसी तरीके से परमिशन देने का बात उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास की थी। तादाद में लोग जम गए और उसमें मतलब प्रमोद मुतालिक भी था, फिर आपका वहाँ का लोकल MLA बलाड भी था, फिर वहाँ का तेंगिन का ये कौर MLA था, तो इससे पता चलता था कि ये लोग कुछ साजिश करना चाह रहे थे। तो हुकूमत को उसके इंफॉर्मेशन वगैरह आए और उसके बाद IG इंटेलिजेंस से बात हुई, कमिश्नर हुबली धारवार के कमिश्नर से बात हुई, DC से बात हुई, सबसे बात करने के बाद एक फैसला हुआ कि भाई कंडीशनली उनको एक परमिशन दिया जाए और वो कंडीशन में ऐसा है कि एक पंडाल जो है 30x30 का होगा और उसके बाद वहाँ पर कोई फ्लैग या कोई पोस्टर्स या बैनर्स नहीं रहेगा। और जिस तरीके से गए बार वहाँ पर लोगों को प्रोवोक करने के लिए तरह तरह के साजिशें की गई, वो सब साजिशें नहीं रहेंगी और उनको ऑर्गेनाइजर्स को एक बांड देना होगा, उस बांड में उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी और वहाँ पर कोई भी अगर फिरका वराना फसादात या कुछ होने की कोशिश होगी भी तो भी वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये भी बात उसमें लिखी गई है। और वहाँ पर हर तरीके का बंदोबस्त रहेगा और ये सब तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि 13 कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन के साथ वो मतलब परमिशन दी गई है सिर्फ 2.5 दिन के लिए। लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई डिस्प्यूट जो है लीज़ या लाइसेंस, हमारी हुकूमत मतलब जो डॉक्यूमेंट्स कॉरपोरेशन वाले बता रहे हैं और दूसरे लोग बता रहे हैं उसमें उनका कहना है कि ये लाइसेंस दिया गया है, ये ज़मीन लीज़ में नहीं दी गई है, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का भी वही फैसला है कि यह ज़मीन लाइसेंस में दी गई है। अब लीज़ और लाइसेंस में काफ़ी फ़र्क है तो इसके बारे में भी हुकूमत को सोचना होगा कि इसका किस तरीके से इस फैसले को, और ये लीज़ में जो 1922 को लाइसेंस दिया गया है तो उसका मतलब ये है कि मतलब हम अंजुमन को उस पर हक है, ये अंजुमन की यह सोच है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर के लीगल एडवाइज़र हैं पन्नन्ना और AG हैं, एडवोकेट जनरल हैं, उनसे सब बात हुई है तो ये सब मिलकर हुकूमत को तजवीज़ करेंगे कि किस तरीके से इसको एक फाइनलिटी या फाइनल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हुबली के मुसलमानों को आखिरी में पैगाम क्या देना? मेरी अपील ये है कि भाई देखिए वक्त आप लोगों को मालूम है, हालात सारे हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से हर दिन कुछ ना कुछ साजिश होती जा रही है और ख़ास कर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक तरफ एक हमारा जो हक है वो हक भी मांगना होगा, उसके साथ साथ जो भी मतलब हिकमत के साथ फैसला करना होगा। और मैं समझता हूँ कि मैं ख़ास कर हम लोगों के अंदर इतना जज्बा भी है और हम ये समझ सकते भी हैं और इंशाल्लाह हमारे तरफ से कोई ना किसी तरीके का कोई भी मतलब ऐसा माहौल ना बनाएं जिससे लोग हम लोगों के ऊपर आंगली उठाएं।
तो मैं समझता हूँ कि ये दो ढाई दिन का मामला है, इंशाल्लाह सलट जाएगा, उसके बाद हम बैठकर फिर इसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे।